तो बच्चों, नीट का सॉल्यूशन हम लोग देखने जा रहे हैं। देखो, गलतियां तो होती हैं, 10% गलती के लिए तो हमेशा माइंडसेट बना के रखें, तो गलतियां होगी, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सॉल्यूशन देखें पीसफुली और वेरीफाई करें कि कितना आपने सही किया है, कितना गलत किया है। ठीक है, तो एक LCR सर्किट है कनेक्टेड टू एन वोल्टेज सोर्स, जिसमें कहा गया है कि क्वेश्चन में कहा गया है कि L हटा दिया गया, L रिमूव कर दिया, तो L रिमूव करने के बाद वो RC सर्किट बचा। RC सर्किट में फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज के बीच में पाई बाय थ्री है, तो इसका फेजर याद करो कैसे बनाते थे, R और 1/ωC या XC, ये उसका नेट होता था। क्या ये फेज डिफरेंस करंट और वोल्टेज के बीच में है? 10π/3, 10 फाई इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस XC/R, तो XC की वैल्यू यहाँ से आएगी √3R, 10π/3 की वैल्यू √3 होती है, XC आ गया। फिर एक और सिचुएशन की बात करी गई है कि जब कैपेसिटेंस हटा दिया गया है, तो कैपेसिटेंस अगर हटा दिया जाएगा तो क्या ये सर्किट LR सर्किट बनेगा, और LR सर्किट में जो फेजर बनता था वो कुछ ऐसा बनता था, तो हमें याद करो 10π/3, 10 फाई इक्वल टू XL/R लिखेंगे, XL की वैल्यू इस बार √3R आएगी। कुल मिला के हमें ये पता चल गया XC और XL दोनों सेम है इतनी स्टोरी से। अब पूछा गया है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर किसी को डायरेक्टली याद रहता हो तो LCR सर्किट के लिए पावर फैक्टर होता था R/√R² XL-XC का होल स्क्वायर, और अगर ये दोनों इक्वल हो गए हैं तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये R/R 1 आ जाएगा, है ना। किसी को अगर याद नहीं है तो याद करो 10 फाई हम लोग निकाला करते थे XL-XC/R, और उसी से 10 फाई डेराइव होके आता था। बहुत लेंदी क्वेश्चन है, जल्दी इस तरह का क्वेश्चन सेकेंड राउंड में करना चाहिए, पहले राउंड में नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ वायर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, ठीक है, एक वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। द लेंथ ऑफ द वायर इज चेंज टू L1, यानी पहले लेंथ L है और फिर इसमें एक्सपांसन होता है और लेंथ L1 हो जाती है। एक्सप्रेशन ऑफ यंग मॉडुलस बताना है क्या होगा, तो मैं हमेशा F इक्वल टू KX याद रखता हूँ, और X का मतलब होता है एक्सपांसन, K की जगह आता है YA/L। हमें एक्सपांसन एक्सप्रेशन ऑफ यंग मॉडुलस लिखना है, तो वाई इक्वल टू FL/AX, ऐसे लोग याद रखते हैं। फोर्स की जगह MG लिखना है, L की जगह L आएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ही लिखना है, X X मतलब कितना इंक्रीज कर गया, तो ये एक्सपांसन L1-L होगा, L1-L, तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन, इसका आंसर थर्ड आ जाएगा मेरे ख्याल से। इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लॉन्ग सोलेनाइड ऑफ 50 सेंटीमीटर 100 टर्न करंट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनाइड बी इक्वल टू, सोलेनाइड के अंदर बी का फॉर्मूला μ0 ni होता है, जहां n नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है। μ0 की वैल्यू रख देते हैं 4π × 10⁻⁷, 10⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न टोटल दिया है 100 और लेंथ है 0.5 मीटर, तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ × 2.5, इसको हम लोगों को सॉल्व करने की ज़रूरत है, और जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 6.28 × 10⁻⁸, यानी 2π × 10⁻⁴ आ रही है। ये दो पावर यहाँ से चले जाएंगे तो हो गया 10⁻⁵, ये 5 5s are, ये 20π × 10⁻⁴, यानी 2π × 10⁻⁴ आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात भी क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 139। रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल आई ऑन अ सरफेस ऑफ एंगल स्मॉल एंगल प्रिज्म, कोई हमें स्मॉल एंगल प्रिज्म कंसीडर करना है। खैर, ज्योमेट्री में हम लोग थोड़ा बड़ा ही दिखाते हैं। ऐसा हमने कोई स्मॉल एंगल प्रिज्म कंसीडर किया है, चलो थोड़ा और स्मॉल बना देते हैं। एंड इमर्जेस नॉर्मली का मतलब है कि यहाँ से रे
ऐसे निकली है, ठीक है, नॉर्मल है, यहां इंसिडेंट एंगल होगा। अगर ये नॉर्मली निकली है तो हम कई बार शो कर चुके हैं कि ये एंगल कितना आता है। क्या बताओ, ये एंगल अगर ए है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस ए आएगा और ये एंगल ए आएगा, ये ए आएगा। तो अभी क्या है, ये ए है और ये आई है। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हमें बताना था कि हम लिख सकते हैं 1 साइन आई, स्नेल्स लॉ लगा रहा हूं, इक्वल टू म्यू साइन आर, आर की जगह ए है। स्मॉल एंगल जब ए होता है तो आई भी स्मॉल होता है, और दोनों स्मॉल है तो साइन आई को आई लिख सकते हैं और साइन ए को ए लिख सकते हैं, तो आई का आंसर आ गया म्यू इंटू ए। मेरे ख्याल से बात क्लियर है, म्यू इंटू ए यानी सेकेंड आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ सर्टेन रीजन वॉल्यूम ऑफ दिस, कोई वॉल्यूम है जहां पर 5 वोल्ट की कांस्टेंट वोल्टेज है। सारा राज यही छुपा था कि थ्रू आउट अगर कांस्टेंट वोल्टेज होता है तो क्या बताओ, कांस्टेंट वोल्टेज जहां पर होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती ही, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा वी बाई डेल्टा आर यानी वोल्टेज डिफरेंस से निकलता है, है ना। तो यहां कहीं ना कहीं वोल्टेज डिफरेंस जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो आएगी। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बोर्स मॉडल इज नॉट वैलिड, तो सिंगली आयनाइज हीलियम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ड्यूट्रॉन एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, हाइड्रोजन एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, नियॉन इज नॉट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो नियॉन इसका नॉट वैलिड आंसर हो जाएगा। इसी को हम लोगों को टिक करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लाइट ऑफ एवरेज फ्लक्स दिस, ये इंटेंसिटी दे रखा है, इतने एरिया में फॉल करती है, द एनर्जी रिसीव्ड ऑन द सरफेस। तो अगर कोई इंटेंसिटी दिया है 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट से समझ में आ रहा है कि इतने एरिया के लिए हम पावर निकालना चाहें तो इंटेंसिटी इंटू एरिया करेंगे, यानी 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 20 तो हो जाएगा 400 वॉट। देखो एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में था, यूनिट भी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो सीधे 400 वॉट आ गया। हमें बताना है 1 मिनट में कितनी एनर्जी, तो वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड, तो 1 मिनट में कितनी एनर्जी होगी, वो होगा पावर इंटू टाइम, यानी 400 टाइम स्टैंडर्ड यूनिट में 60 आएगा, तो ये कितना हो गया 24000, 24 × 10³, यानी इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। बात क्लियर है मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन इलेक्ट्रॉन एक्सीलेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी वोल्ट, इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज दिस, एक फॉर्मूला मैं बताता हूं, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 12.27 डिवाइड बाय अंडर रूट वी। तो अभी क्या बताओ, अंडर रूट वी इक्वल टू होगा 12.27 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। क्या लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया है, नहीं, नैनोमीटर में दिया है। अगर मैं इसको एंगस्ट्रॉम में लिखूंगा तो एक 10⁻⁻ और लगाना पड़ेगा, ये -2 है तो यहाँ पे 10⁻⁰ कर लो तो ये बचेगा 0.1227 × 10⁻¹⁰, यानी यहाँ पे हमें 12.27 डिवाइड बाई 0.1227 दिख रहा है साफ साफ, 100 आएगा, अंडर रूट वी की जगह 100 आया है तो वी 10⁴ वोल्ट ये आएगा, यानी इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, 143 का थर्ड आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बॉडी वेट 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो हम लोगों ने पढ़ा है जी प्राइम इक्वल टू जी अपॉन 1+H/R का होल स्क्वायर, हाइट पर फॉर्मूला, एट अ हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस, इसमें m मल्टीप्लाई कर दे तो ये w प्राइम इक्वल टू w डिवाइड बाई 1+H/RE का होल स्क्वायर हो जाता है। w दिया है 72 न्यूटन, w प्राइम निकालना है, ये 72 यहाँ नीचे बनेगा 3/2 तो स्क्वायर करके 4/9 आएगा, तो ये कितना आ गया 32 न्यूटन, इतना वेट महसूस होगा, यानी 144 का आंसर आ जाएगा फर्स्ट। बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर टेम्परेचर की वैल्यू नहीं दी है कि किस टेम्परेचर रेंज पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है। बेसिकली अगर बहुत बड़े टेम्परेचर वेरिएशंस किए जाएंगे तो ये ग्राफ हमें कर्व नजर आएगा,
लेकिन अगर हम बहुत छोटी रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए यही ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन माना जा सकता है, और लाइन मानते भी हैं, क्योंकि डेल्टा रो इक्वल टू रो नॉट अल्फा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला हम लोग इसके लिए यूज करते हैं। तो फॉर स्मॉल टेम्परेचर रेंज, टेम्परेचर चेंज, ये लाइन ग्राफ होगा, यानी इसको हम फोर्थ टिक कर सकते हैं। और लार्ज टेम्परेचर गैप के लिए अगर हम लोग ये ग्राफ एक्चुअल ड्रॉ करेंगे तो वो कर्व आएगा, यानी बढ़ता हुआ रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसमें तो कोई डाउट होने नहीं चाहिए। तो इसका सेकेंड और फोर्थ है, आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। ये डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है, जो कि ऑब्वियसली हम लोगों के मैथमेटिकल थ्योरी में ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है, तो लाइन ग्राफ हो सकता है या कर्व ग्राफ हो सकता है, अगर बहुत रियलिस्टिक डेटा पे हम लोग बात करें। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन फोटोसेंसिटिव मटेरियल, व्हाट विल बी द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ्ड एंड इंटेंसिटी इज डबल्ड। हमको पता है कि अगर न्यू नॉट का 1.5 टाइम्स इंटेंसिटी है और उसका हाफ कर देंगे तो ये 0.75 न्यू नॉट हो जाएगा, यानी ये न्यू नॉट से कम हो जाएगा, जबकि मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट हमें चाहिए है ना, न्यू नॉट चाहिए है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर नहीं आएगी तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, तो फोटो करेंट होगा ही नहीं, उसका आंसर जीरो हो जाएगा, यानी 146 का आंसर जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ 40 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट इज, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो पहले तो हम लोग समझ ले कि आई आरएमएस जब हम निकालते हैं तो वो होता है वी आरएमएस डिवाइड बाई जेड, या जो भी सर्किट है कैपेसिटिव है तो हम लोग सिंपली वी आर एम एस डिवाइड बाई एक्सी लिख सकते हैं। वी आर एम एस इज 200, एक्सी कितना होगा, तो कैपेसिटर के लिए एक्सी 1/ωc होता है, ओमेगा कैसे आएगा, 2π इंटू फ्रीक्वेंसी से आएगा, सी दिया है 40 माइक्रोफेरेड, तो ये उठा के हम लोग रख देते हैं। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दिया है तो ये 100π इंटू 40 इंटू 10⁻⁶, यानी ये आएगा 40π इंटू 10⁻⁴, तो 1/ करना है, 1/ 40π इंटू 10⁻⁴, तो ये आ जाएगा 200 इंटू 40π इंटू 10⁻⁴, ये 3 0 हटा देते हैं, प्लस 3 आएगा, तो ये आएगा 0.2π इंटू 4, ओके, यानी 0.8 इंटू 3.14, ये लगभग कितना आएगा, ये 25, अगर मैं लगभग लिखूं तो 1 2, इसको मैं 0.8 इंटू 3 सोच सकता हूं, तो ये कुछ 2.5 एम्पियर के आसपास आ रहा है, लगभग 2.4 एम्पियर के आसपास आ रहा है, यानी इसका आंसर 147 का हम लोगों को सेकेंड टिक करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज्यूम दैट द लाइट ऑफ वेवलेंथ ना नैनोमीटर इज कमिंग फ्रॉम स्टार, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन हम लोग जानते हैं 1.22 लैम्डा बाई डी होता है रेडियन में, है ना, थीटा मिनिमम गैप, 1.22 लैम्डा इज 600 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाई डायमीटर, डायमीटर इज 2 मीटर, देखते हैं जरा कितना आएगा, 66 इंटू 10⁻⁷, ऐसा कुछ आंसर आ रहा है, 3.66 समथिंग, तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा, 148 का फोर्थ आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ वेलोसिटी, ये मेरे ख्याल से सबसे आसान क्वेश्चन था, कि नीचे की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है
और 80 मीटर पर सेकेंड से हिट किया है और हाइट बताना है। मेरे ख्याल से फॉर्मूला हमें वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाना चाहिए। v इज 80, u इज 20, a माइनस 10s माइनस h, ये h हमें बताना है। सिक्स थाउजेंड इक्वल टू 20h, तो h इक्वल टू 300 मीटर, ये थर्ड आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट अ प्रेशर दिस एंड अ टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स डेंसिटी इज। सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो टेम्परेचर 300 केल्विन एंड प्रेशर 249 × 10³ पास्कल, डेंसिटी, तो क्या हम लोग जानते हैं P इक्वल टू W बाई M वी आर टी। W बाई V डेंसिटी होता है, यानी हम लोग पी एम बाई आर टी इक्वल टू डेंसिटी। ये फॉर्मूला कुछ लोगों को सीधे याद रहता है, मैं डिराइव करके बता रहा हूँ। हमको डेंसिटी बताना है, तो डेंसिटी इक्वल टू होगा, सब कुछ स्टैंडर्ड यूनिट में रखना चाहिए, 249 × 10³ प्रेशर, मोलर मास गैस के लिए किलोग्राम में रखना है, ध्यान रखना, तो 2 ग्राम होता है 2 × 10⁻³ किलोग्राम होगा। आर इज 25/3, ये रखना सही रहता है, टी 300, तो ये लगभग 100 आएगा। इसको मैं 25 टेंजा लिख सकता हूँ, तो देखो ज़रा ये 20 ऊपर जाएंगे तो -2 आ जाएगा, ये -5 पावर हो गया, ये एक 3 और 1 4 पावर प्लस में आएगा, तो ये टोटल हमें दिख रहा है, ये आंसर लगभग कितना दिख रहा है, 2 × 10⁻¹, दैट इज 0.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी इसका फर्स्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यूरेनियम आइसोटोप 92 यूरेनियम 235 से 36 क्रिप्टॉन 89 बनता है और साथ में एक न्यूट्रॉन यूज होता है, 3 न्यूट्रॉन बनते हैं, तो हमें बताना है कि बाकी दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो यार, 36 92 92 में से हम मास नंबर पे बात कर लें, 236 में से 89 सब्ट्रैक्ट करें, जरा कितना आ रहा है, और 3 और ऐड कर दें, -3 भी करना पड़ेगा, यानी 236 माइनस 92, तो ये दिख रहा है 144 वाला कोई एलिमेंट आएगा। अगर हम मास नंबर इक्वेट करते हैं तो 144 वाला एलिमेंट एक ही है, तो 151 का फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ डेप्लीशन रीजन इन पी एन जंक्शन डायोड इज यूज्ड टू, तो विड्थ ऑफ द डेप्लीशन रीजन कब बढ़ती है, जब हम उसको रिवर्स बायसिंग में यूज करते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो फील्ड कम हो जाती है, डेप्लीशन रीजन कम हो जाता है, रिवर्स बायसिंग करते हैं तो फील्ड बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल, क्या हम लोग जानते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ऐसा कुछ आता था
तो एक्सेलेरेशन का इक्वेशन इसका डबल डिफरेंशिएशन के बाद ऐसा कुछ आता था, है ना। तो अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड और हम फेज फेज में कंपैरिजन कराएं, तो हम ये माइनस हटा के यहाँ साइन पाई प्लस ओमेगा टी लिख सकते हैं। इसी के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट राइट होता है तो एक्सेलेरेशन लेफ्ट होता है ना। तो अभी फेज वाइज उस चीज को हम लोग पाई का फेज डिफरेंस कह सकते हैं, क्योंकि हम मैथमेटिकली दिखा सकते हैं अगर एम्पलीट्यूड पॉजिटिव लिया जा रहा है तो साइन के अंदर जो फेज है उसमें पाई का डिफरेंस हम शो कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आयरन रॉड ससेप्टेबिलिटी दिस इज सब्जेक्टेड टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड दिस द परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल, परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल म्यू नॉट इंटू म्यू आर होता है, रिलेटिव परमिटिविटी और परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम और रिलेटिव परमिएबिलिटी। म्यू नॉट की वैल्यू 4 × 10⁻⁷ है और म्यू रिलेटिव वो होता है 1 + ससेप्टेबिलिटी यानी 1 + 599 दैट इज 600। ओके, 600 × 4 × 10⁻⁷ इतना काम हमें करना है। तो बताएं जरा 600 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2400 π × 10⁻⁷। इसको हम लिख सकते हैं 3 decimal खिसका के 2.4 π × 10⁻⁴, 2.4 π × 10⁻⁴ यानी 154 का फोर्थ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ टू सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस R1 R2। ओके, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, तो Q = mS δ θ होता है टेम्परेचर रेज 1 Kelvin दोनों के लिए है, यानी डेल्टा थीटा दोनों के लिए सेम है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम होगी क्योंकि दोनों ही कॉपर है, तो यानी Q का लेना देना मास से है और मास फर्दर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम है यानी 4/3 πr³। तो क्या मैं कह सकता हूँ Q का लेना देना किससे हो गया, R³ से हो गया, यानी Q1/Q2 विल बी R1/R2 की पावर 3 एंड R1/R2 जरा यहाँ से देख ले वो 1.5 दिया है यानी ये 1.5 की पावर 3 आएगा। इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 3/2 की पावर 3 आएगा दैट इज 333 27/8, इसका फोर्थ आंसर 155 का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू बॉडीज ऑफ मास 4 kg and 6 kg आर टाइड एट द एंड, बहुत फेमस क्वेश्चन है 6 kg 4 kg, तो एक्सेलेरेशन क्या आता था m₁ − m₂ × g/m₁ सीधे लोगों को रिजल्ट याद रहता है, रिजल्ट नहीं याद है तो m₁g − t = m₁a t − m₂g = m₂a, ये हमें दो इक्वेशन लगाना होंगी, ये नीचे जा रहा है ये ऊपर जा रहा है, तो m₁ is 6 − 4 × g/6 + 4 2g/10 g/5, ये क्वेश्चन ही बहुत फेमस है, ये रिजल्ट कई बार हम लोग ला चुके हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं ये एक भी क्वेश्चन सीपीपी के बाहर नहीं आया है, अगर मेरे स्टूडेंट गौर करेंगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो सीपीपी के बाहर का है, उन्हीं में से थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज हो गई हो तो बात अलग है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रूट मीन मीन फ्री पाथ, तो मीन फ्री पाथ का वैसे तो फॉर्मूला सीधे सीधे लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं पता है तो इसको डायमेंशनली किया जा सकता था। मीन फ्री पाथ बेसिकली लेंथ होती है लेंथ के डायमेंशन की, और लेंथ का डायमेंशन का आंसर कौन है हमें यह तय करना था। एन क्या है, नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी का मतलब क्या हो सकता है, टोटल नंबर डिवाइड बाई वॉल्यूम, है ना। तो जहां स्मॉल एन लिखा है उसको n/v लिख देते हैं हर जगह, तो यहां हो जाएगा n²v² n²v² n V। अब जरा देखें, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता, d² का यूनिट होता है l²
वॉल्यूम का एल क्यूब। तो देखो जरा, पहले ही आंसर एल की डायमेंशन का आ गया है, बाकी आंसर एल के डायमेंशन के नहीं आएंगे, चेक करेंगे तो हमें वही आंसर टिक करना है जो एल के डायमेंशन का है, लेंथ के डायमेंशन का है, क्योंकि मीन फ्री पाथ एल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैज डायपोल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल एट पॉइंट एट अ डिस्टेंस 0.6 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल। तो किसी डायपोल के लिए एंगुलर पोजीशन पर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है केपी कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो के 9 × 10⁻⁹ है, डायपोल मोमेंट 16 × 10⁻⁹ दिया है, कॉस थीटा यानी कॉस 60 डिवाइड बाई आर स्क्वायर यानी 0.6 × 0.6। इतना कैलकुलेशन हम लोगों को करना होगा, 144 इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ हाफ आ रहा है 0.6 × 0.6। क्या 0.6 से ये कट जाएगा? इसको हम लोग 72 लिख सकते हैं, 2 से कट करते हैं, 720 आएगा। फिर ये डेसिमल से एक जीरो बढ़ा है, फिर इसको कट करेंगे तो 120 आएगा, फिर एक डेसिमल हटाएंगे तो ये 200 आएगा। बहुत बढ़िया आंसर आया है, 200 वोल्ट, ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है एफ बाई एफ इज एम एल टी माइनस टू डिवाइड बाई एरिया एल स्क्वायर। तो यह आएगा एम एल माइनस टी माइनस टू, यानी 159 का आंसर थर्ड आ रहा है। नेक्स्ट इज 160, एनर्जी रिक्वायर्ड टू बॉन्ड वन बॉन्ड ऑफ डीएनए इज दिस द वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी अगर जूल में पता हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में लाने के लिए मल्टीप्लाई करते थे, तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आएगा 10⁻⁹ डिवाइड बाई 1.6, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁶ × 10⁻²। मैंने माइनस टू किया तो एक जीरो बढ़ेगा, तो ये लगभग 6 के आसपास आता है, 96 16 16 6। तो ये आंसर 0.06 के आसपास आएगा, ये टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ गिटार टू स्ट्रिंग ए एंड बी मेड ऑफ सेम मटेरियल आर स्लाइटली आउट ऑफ ट्यून एंड प्रोड्यूस बीट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज। व्हेन द टेंशन बी स्लाइटली डिक्रीज्ड द बीट फ्रीक्वेंसी। तो ए और बी बीट प्रोड्यूस कर रहे हैं और ए की फ्रीक्वेंसी 530 है, ऐसा दिया है फ्रीक्वेंसियों पे। तो बी की फ्रीक्वेंसी या तो 536 होगी या तो 524 होगी, 6 का डिफरेंस होगा, न्यू वन डिफरेंस न्यू टू 6 का होगा क्योंकि 6 बीट्स हैं। फिर कहा गया व्हेन द टेंशन ऑफ बी इज स्लाइटली डिक्रीज, क्या बताओ, फ्रीक्वेंसी टेंशन के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेंशन कम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो अभी इसमें अगर कम होगी तो फिर डिफरेंस 6 से भी कम हो जाएगा, इसका मतलब इसमें कम होना ही डिफरेंस बढ़ा सकता है, और क्योंकि डिफरेंस बढ़ा है तो इसका मतलब सही आंसर हमें 524 हर्ट्ज टिक करना है। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस इज गिवन बिलो। तो याद है वो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, क्या था, ओके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा कुछ कलर कोडिंग था। तो फर्स्ट येलो है, येलो मतलब 4,
सेकेंड कलर वॉयलेट है, वॉयलेट बोले तो 7, 4, 7 दो नंबर आ गए, फिर 10 की पावर तय होगी, 10 की पावर ब्राउन से तय होना है, तो ब्लैक ब्राउन ऐसे होता था यानी 10 की पावर 1, और उसके बाद गोल्ड यानी अगली नंबर एरर बताएगा, और गोल्ड में सबसे कम एरर होता था मुझे याद आ रहा है 5%, यानी 470 प्लस माइनस 5% ये आंसर होगा 162 का थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रिविस्टर्स एंगल फॉर, तो ब्रिविस्टर एंगल हमें कम से कम ग्लास के लिए पता है कि 10 आईपी म्यू के इक्वल होता था। अब मुझे इतना अंदाजा लग रहा है कि 10 अगर 1 के इक्वल आता, 10 आईपी 1 के इक्वल आता तो आईपी 45 आता, और 1 से ज्यादा है तो ऑब्वियसली 45 से तो ज्यादा एंगल होगा ही, और 45 से 90 के बीच में हो सकता है, 90 से ज्यादा कोई एंगल हो ही नहीं सकता एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो मेरे ख्याल से इसका सेकेंड आंसर फीजिबल है, और कोई आंसर फीजिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 6 माइक्रोफैरड दिया है, फिर कहा है अब उसमें डायलेक्ट्रिक आ गया है, डायलेक्ट्रिक के बाद कैपेसिटेंस नया केसी हो जाता है, वो 30 दिया है, तो इसका मतलब के कितना आ गया, 5 आ गया, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 आया है। परमिटिविटी ऑफ द मीडियम वो होता था एप्सिलॉन नॉट इनटू के, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम जिसकी वैल्यू होती तो 8.85 इंटू 10 to power -12 इंटू के आया है 5, तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ 4 तो आएगा ही, यानी या तो ये कुछ आंसर है या तो ये है, जरा पावर और मैच करा लें, 44 के लगभग इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा 10 to power -12, अगर डेसिमल हम दो डिजिट खिसकाएंगे 0.44 में लिखेंगे तो वो 10 to power -10 आएगा, यानी इसका सही आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजन व्हेन अ फोर्स, फोर्स वेक्टर फॉर्म में दिया है, पोजीशन वेक्टर फॉर्म में दिया है, और हमें टॉर्क बताना है, तो वेक्टर फॉर्म में हम लोग टॉर्क निकालना सीखा है आर क्रॉस एफ, आर यानी 2K × 3J, तो ये आएगा 6K × J, और याद करो आई जे के में सीधा एरो चलता था, के क्रॉस जे होगा -I, यानी इसका आंसर हो जाएगा -6I, 165 का सेकेंड आंसर। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इन द लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज बैलेंस 10 ओम, ओके, रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज, ये रेजिस्टेंस हमारा जो रेजिस्टेंस वायर जिसको बोला गया है, रेजिस्टेंस वायर वो लेफ्ट साइड लगा है बैलेंस 10 ओम इन द राइट गैप, यानी राइट गैप में 10 ओम है, लेफ्ट गैप में हमारा रेजिस्टेंस वायर है, जिससे कि ये 3:1, 3:2 में डिवाइड होता है, तो क्या मीटर ब्रिज में R/10 = 3/2, तो R की वैल्यू आ जाएगी 15 ओम, R की वैल्यू आ गई है, और अगर R की वैल्यू 15 ओम आ गई है जिसकी लेंथ 1.5 मीटर है, 15 ओम की लेंथ 1.5 मीटर है, तो 1 ओम वो होगा 1.5/15, लेंथ रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, तो उसी प्रोपोर्शन में कम हो जाएगा, यानी ये आएगा 0.1 मीटर, यानी 1 × 10⁻¹ मीटर, ये आंसर आएगा इसका, 166 का आंसर फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर अ ट्रांजिस्टर एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, ट्रांजिस्टर के लिए याद करो हम लोगों ने बात करी थी बेस और एमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस रखा जाता था, है ना, ये ऐसा कुछ हम लोग स्ट्रक्चर बनाते थे और बात करते थे कि बेस और एमीटर अगर ये NPN है
तो इसको हम लोग फॉरवर्ड बायस रखते थे, क्योंकि फॉरवर्ड बायस रखने के पीछे था कि एमिटर एमिट करेगा, बेस से होता हुआ कलेक्टर में कलेक्ट होगा, और कलेक्टर में क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाना होती थी तो उस चक्कर में हम लोग इसको रिवर्स बायस रखते थे। रिवर्स बायस मतलब एन को पॉजिटिव और पी को नेगेटिव। खैर सारे ऑप्शन चेक करें, बेस एमिटर एंड कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम साइज, साइज अलग अलग होता है, ये डायग्राम याद करो। बोथ एमिटर जंक्शन एज वेल एज कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस्ड, गलत है, एक फॉरवर्ड बायस एक रिवर्स बायस। द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन, हाँ थिन तो होता है, एंड लाइटली डोप्ड, कोई बात नहीं ये हो सकता है, अभी कंफ्यूजन है तो एक ऑप्शन और पढ़ लेते हैं। बेस एमिटर कलेक्टर रीजन शुड हैव सेम डोपिंग, बिल्कुल गलत है, अलग अलग डोपिंग होती है, सबसे ज्यादा डोपिंग एमिटर में होती है, बेस और कलेक्टर में उससे कम होती है। तो इसका थर्ड आंसर हम लोग टिक करेंगे, 167 का थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशंस मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, तो ये हमें पता होना चाहिए कि एनर्जी की वैल्यू 1/2 एप्सिलॉन e स्क्वायर 1/2 म्यू नॉट b स्क्वायर होता था, है ना, और b इक्वल टू, बल्कि हम लोग e इक्वल टू कई बार देखते हैं, e इक्वल टू c टाइम्स b होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा c स्क्वायर आएगा, c स्क्वायर यानी म्यू नॉट एप्सिलॉन 1/μ0ε का स्क्वायर b स्क्वायर, क्या यहां से एप्सिलॉन कट जाता है, तो ये रिजल्ट 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर, यानी उसके सेम ही आ रहा है, यानी एनर्जी एवरेज की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड में और एनर्जी की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड में, एवरेज एनर्जी की वैल्यू वो दोनों में सेम होती है, 1:1 का रेशियो होगा, यानी 168 का आंसर फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ दिस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस द मूवेबिलिटी इज, तो मोबिलिटी पता होना चाहिए, v अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, ये फॉर्मूला लोगों को याद रहना चाहिए, वरना यूनिट से फॉर्मूला बनाने का ट्राई कर सकते हैं, है ना। क्या वेलोसिटी हमें दे रखी है 7.5 × 10⁻⁴ और इलेक्ट्रिक फील्ड इज 3 × 10⁻¹⁰, तो ये आएगा 2.5 × 10⁶, 2.5 × 10⁶, यानी इसका फर्स्ट आंसर आ रहा है, 169 का फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट, अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस दिस हैज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेयर। तो एक स्फेरिकल चार्ज से उसके बाहर 15 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, जो कि होगी KQ/r², यानी 9 × 10⁹, हैज अ चार्ज 3.2 × 10⁻⁷ / 0.15 का स्क्वायर। थोड़ा सी सॉल्विंग हमें करना होगी, 9 × 3.2 × 10⁻² / 2.15 का स्क्वायर 2.15 आएगा, तो कैलकुलेशन आसान नहीं है, लगभग में आंसर निकालने का हम लोग ट्राई कर सकते हैं, ये 220 मानते हैं तो 220 बचेगा, तो लगभग 14 के आसपास आएगा। ओके, ये 126 × 10⁻² के आसपास आंसर नजर आ रहा है, तो इसको हम 1.26 × 10⁴ लिख सकते हैं, तो ये आंसर अप्रोक्सीमेटली मैच करेगा। मैं अप्रोक्सीमेटली आंसर निकालता हूं जब भी दूर दूर आंसर होते हैं, तो 170 का आंसर
यहां एक गलती हम लोगों ने करी है, नाइन इंटू टेन टू पावर नाइन, 3.2 इंटू टेन टू पावर माइनस सेवन डिवाइड बाई 2.15 आएगा, तो ये लगभग 1.4 के आसपास आ रहा है, यानी ये रिजल्ट 126, 12.6 इंटू टेन टू पावर 2 के आसपास आएगा। अच्छा, ये 15 सेंटीमीटर को मीटर में मैंने बदल दिया है, एक डेसिमल अगर हम लोग शिफ्ट करेंगे तो आंसर 9 इंटू टेन टू पावर 9 माइनस 7, 2.15, 0.0215 आएगा, चार डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3.2 डिवाइड बाई 2.15 इंटू, मैंने दो डिजिट खिसकाया है तो यहाँ 10^-2 आएगा, ठीक है। इसको इससे कट करेंगे तो 1.4 के लगभग आसपास आएगा, रफली हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 14 × 9 126, 12.6 इंटू 10^4 यानी ये 1.26 इंटू 10^5 आंसर आ रहा है, यानी फर्स्ट आंसर मैच कर रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर 170 का आंसर मैच कर गया है, फर्स्ट आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर। जब भी हम डेसिमल वाली चीजों को ऐड सबट्रैक्ट करते हैं तो लीस्ट डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट आंसर में इंक्लूड किया जाएगा। 1089 डिफरेंस करना सबको आता है, ये आंसर कितने डेसिमल डिजिट तक छोड़ा जाएगा डेसिमल पॉइंट के, तो केवल दो डिजिट तक, क्योंकि लीस्ट एक्यूरेट ये था, लीस्ट एक्यूरेट, तो लीस्ट एक्यूरेट आंसर छोड़ा जाएगा 9.98, ये आंसर रहेगा। बात क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्स इज हाफ्ड, कोहेरेंट सोर्स के बीच में सेपरेशन स्मॉल डी से डिनोट करते थे, पर्दे और सोर्स के बीच में सेपरेशन को डी से डिनोट करते हैं, तो डी डी बाई टू हो गया है, कैपिटल डी डबल हो गया है, तो फ्रिंज विड्थ याद है ना, डी लेमडा बाई डी होता था, तो नया वाला फ्रिंज विड्थ होगा नया वाला डी और नया वाला स्मॉल डी, तो ये आ जाएगा 4d लैम्डा बाई डी, यानी क्या फ्रिंज विड्थ 4 टाइम्स हो गई है, देन द फ्रिंज विड्थ बिकम 4 टाइम्स। मेरे ख्याल से सबसे आसान क्वेश्चंस में से ये था, 4 टाइम्स इसका आंसर है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कंटेनर ए है, एक सिलेंडर ए है, एक बी है, दोनों एक कॉर के थ्रू सेपरेटेड हैं और ये बाहर की दुनिया से आइसोलेटेड है, यानी बाहर से हीट ना आ सकती है ना जा सकती है, तो पहली नजर में लोग इसको एडियाबेटिक टिक कर सकते हैं। मगर मैं बता दूं कि एडियाबेटिक प्रोसेस भी एक ऐसा प्रोसेस माना जाता है जिसमें पिस्टन लगा है और पिस्टन हमेशा जीरो एक्सेलेशन में होता है ना, ये ध्यान रखना, जीरो एक्सेलेशन में होता है, इसका मतलब कि गैस एक्सपेंड करेगी तो जरूर वर्कडन करेगी, लेकिन इस प्रोसेस में ए में गैस भरी है, जब हम ये कॉर्क हटाएंगे तो गैस कोई वर्कडन नहीं करेगी, ये क्वासी स्टैटिक कैटेगरी का प्रोसेस नहीं है, है ना, इसका मतलब गैस के अंदर जितनी एनर्जी है उतनी ही, जितनी पहले थी उतनी ही बाद में रहेगी, यहां टेम्परेचर नहीं बदलता है क्योंकि यू सेम रहता है, इंटरनल जी सेम रहती है। तो इसका आंसर जो हमें टिक करना है वो आइसोथर्मल टिक करना है। अभी क्या है, बाकी फैसला एनटीए करेगा कि इसका आइसोथर्मल या एडियाबेटिक देता है,
मेरे हिसाब से ये आइसोथर्मल सही आंसर है, क्योंकि जब तक गैस कोई वर्कडन करेगी नहीं, उसके अंदर की एनर्जी खर्च नहीं होगी और एंटल्जी सेम रहेगी, तो एनआरटी अपॉन गामा माइनस वन, अगर यू नहीं बदला तो टी बदलने का कोई सवाल ही नहीं है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। कई सारे लोग इसका एडियाबेटिक सॉल्यूशन देंगे, तो भाई देख लेना जो आप लोगों को अच्छा लगे और जो फाइनली एग्जाम बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 0.5 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस। तो क्या एनर्जी इक्विवेलेंस का मतलब वही E इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, एम इज 0.5 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में तुरंत बदले, सी 3 × 10⁻⁹ का स्क्वायर, तो यह आएगा 0.5 × 10⁻³ और प्लस 10⁻¹⁹ यानी ये आ गया 4.5 × 10⁻³⁴। 4.5 × 10⁻³⁴ पहला ही आंसर दिया है, तो 174 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर इज इमर्ज्ड इन वाटर एंड वाटर राइजेस इन इट टू हाइट एच। द मास ऑफ वाटर इन कैपिलरी इज 5 ग्राम। अनदर कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 2R इज इमर्ज्ड इन वाटर। द मास ऑफ वाटर दैट विल राइज इन द ट्यूब इज। तो हमें पता होना चाहिए कि मास जो राइज करता है किसी कैपिलरी में वो mg कहीं ना कहीं ऊपर लगने वाले फोर्स के इक्वल होता है। s इंटू 2πr cos थीटा का फोर्स लगता है, मान लेते हैं इज इक्वल टू mg होता है। तो पहली सिचुएशन में रेडियस r है, दूसरी सिचुएशन में रेडियस 2r है ना। बाकी थीटा वगैरह के बारे में कोई बोला नहीं गया, तो हम मान के चलते हैं कि सेम ही रहेगा। तो क्या बताओ मास पे क्या फर्क पड़ेगा, तो पहले के मुकाबले बस यहाँ डबल हुआ है, तो एम प्राइम भी डबल हो जाना चाहिए, यानी वो 10 ग्राम को सपोर्ट कर सकता है, यानी इसका आंसर सिंपली सेकेंड हो जाएगा। बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्क्रू गेज हैज अ लीस्ट काउंट 0.। लीस्ट काउंट याद करो क्या होता था, पिच डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। तो क्या पिच हमें लाना है, पिच ऑफ द स्क्रू गेज हमें लाना है पिच, तो हो जाएगा लीस्ट काउंट इज 0.01 mm और नंबर ऑफ डिवीजन आर 50, तो ये रिजल्ट आएगा 0.5 mm। बेसिकली पिच स्टैंडर्ड, लीस्ट काउंट स्टैंडर्ड है, नंबर ऑफ डिवीजन आधे हुए हैं तो पिच भी आधी होना चाहिए, यानी 176 का आंसर सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द लॉजिक सर्किट शोन द ट्रुथ टेबल इज। तो पहले देखते हैं ये कौन सा सर्किट है, क्या ये नॉट गेट लगा है, तो ए का ए बार बी का बी बार नॉट गेट पलट देता है। फिर ये नैंड गेट, ये नॉर गेट लगा है, मतलब सम का रिवर्स देगा। और फिर हम डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाते हैं, यानी यहां जो लिखा है उस पे बार, यहां जो लिखा है उस पे बार, तो ए बार का बार बी बार का बार ये ए इंटू बी आ जाता है, याद है, ये एंड गेट बन गया एंड गेट। और एंड गेट में क्या होता था, 0 0 0 0 1 0 1 0 1 मल्टीप्लाई करना है, सिंपली ए इंटू बी को प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट करने में तो केवल 1 1 पे 1 आता है, बाकी सब जगह 0 आएगा। तो देखो जरा ऐसा कहां दिया है कि 1 × 1 1 आए, 1 × 1 1 आए, बाकी जगह 0 आए, 1 × 1 0 ये गलत हो गया, 1 × 1 0 गलत हो गया, 1 × 1 0 1 × 1 1 बाकी सारे 0। इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा, फिलहाल इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा 177 का। नेक्स्ट, द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस। तो ये एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी मोनो एटॉमिक में केवल ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1/2 kT, ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि एटम लेवल पे बात करी गई है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, 3/2 kT, इसका आंसर हो जाएगा। k इज बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, बहुत आसान क्वेश्चन था। द सॉलिड विच हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस आर।
तो क्या हम लोग जानते हैं कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट जो हम लोगों ने देखा है कम से कम सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ, क्या हम लोगों ने पढ़ा था डेल्टा आर इक्वल टू आर नॉट प्लस एल्फा आर नॉट डेल्टा टी, ये किस में पढ़ा था? कंडक्टर में। इंसुलेटर में हम बात करते थे कि कंडक्टिव रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पे कम हो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे बढ़ जाते थे। इंसुलेटर में रेजिस्टेंस तो ऐसे ही इनफाइनाइट रहता है, तो उसमें हमें ऐसी कोई बात नहीं करना चाहिए। लेकिन आइडियली हम कह सकते हैं अगर इंसुलेटर भी कंडक्टिंग बिहेवियर शो करने लगे बहुत हाई टेम्परेचर पे, तो ये थर्ड आंसर भी हो सकता है, यानी एक डिस्प्यूटेड बात है। इसका सेकेंड तो आंसर सही है ही है, थर्ड भी हो सकता है किसी खास टेम्परेचर के लिए। तो 179 फिर कैसे डिसाइड किया जाए कि कौन सा आंसर सही होगा, आप ही लोग डिसाइड करें। मेरे हिसाब से दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ट आंसर थर्ड टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पार्टिकल ऑफ मास 5 एंड 10 केजी रिस्पेक्टिवली आर अटैच टू एंड ऑफ अ रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर विद नेग्लिजिबल मास, द सेंटर मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 5 केजी पार्टिकल इज नियरली एट अ डिस्टेंस 5 एंड 10 बना देते हैं। 5 से डिस्टेंस बताना है तो इसी को ओरिजिन में मान लेते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1, 0। एक्सीएम लाना होगा, इसको एक्स कोऑर्डिनेट हमने माना है m1x1 m2x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो ये रिजल्ट आएगा 10/15 यानी 2/3 यानी 0.67 मीटर यानी 67 सेंटीमीटर, यानी इसका आंसर सेकेंड आएगा। तो मेरे ख्याल से डिस्कशन सभी को समझ आया होगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। जो एकाध डिस्प्यूटेड क्वेश्चन है उनको छोड़ के लगभग सारे सॉल्यूशन आप लोगों को मिल गए हैं।